हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर यहाँ से चूज करना है। लैटिस एनर्जी क्या होती है? जब भी आपका एक मोल कैटायन, ठीक है, मैंने कैटायन ले लिया लेट्स से MX, ठीक है, और एक मोल आपका कोई एनायन एक्स नेगेटिव, जब एक कंबाइन करते हैं तो MX बनाते हैं, ठीक है, सॉलिड बनाएंगे। तो इस टाइम पे एक एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, ठीक है, ये रिलीज हो गई। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस यू से। माइनस का सिंबल रिलीज होने का, यू सिंबल लैटिस एनर्जी के लिए जनरली यूज होता है। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कैटायन एंड आयन के बीच में, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि सॉलिड जितना ज्यादा स्टेबल स्ट्रांग होगा, लैटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। अब ये लैटिस एनर्जी चार्ज पर, चार्ज ऑफ द कैटायन एंड आयन पे, साइज ऑफ द कैटायन एंड आयन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं ए ऑप्शन देखूं तो ये बेरिलियम का ऑक्साइड है, यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्साइड लिखा हुआ है, तो ऑक्साइड तो कॉमन है, तो हाँ डिफरेंस है आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम है। तो बीई टू पॉजिटिव है एंड एमजी टू पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों क्या है, एक ग्रुप के मेंबर है। सो डाउन द ग्रुप अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, इसके नीचे ही लिख दूं, ठीक है, डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, विच ओवर पावर्स द नंबर ऑफ, विच इज गेटिंग ओवर पावर्ड बाय द नंबर ऑफ शेल्स। साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो साइज अगर इंक्रीज है तो मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा और बेरिलियम का छोटा होगा। तो बेरिलियम का जो लैटिस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि केटायन का साइज छोटा है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, ठीक है। सो बेरिलियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी इज गोइंग टू बी मोर देन मैग्नीशियम का ऑक्साइड, बट यहाँ पर उल्टा लिखा है, सो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। बी में देखते हैं, ठीक है, टी आई सी दैट इज टाइटेनियम कार्बाइड, टी आई सी टाइटेनियम कार्बाइड एंड एस सी एन दैट इज स्कैंडियम नाइट्राइड। सो ये कैसे बना होगा, टी आई के ऊपर थ्री पॉजिटिव, सॉरी नॉट थ्री पॉजिटिव, फोर पॉजिटिव, टाइटेनियम तो मेटल है ना, एंड कार्बाइड है मतलब फोर नेगेटिव, और ये स्कैंडियम नाइट्राइड बना होगा एस सी थ्री पॉजिटिव एंड एन थ्री नेगेटिव, ठीक है। अब देखो मैंने कहा लैटिस जितना स्ट्रांग होगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। लैटिस स्ट्रांग कब होगा, जितना साइज साइज छोटा होगा और चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका चार्ज केटाइन और एनाइन में ज्यादा है, टाइटेनियम में फोर नेगेटिव का है, कार्बन पे फोर पॉजिटिव, सॉरी टाइटेनियम फोर पॉजिटिव का है, कार्बन पे फोर नेगेटिव का है, तो इन पर चार्ज ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज कम है, तो इसका मतलब लैटिस इनका स्ट्रांग होगा, टीआईसी का लैटिस ज्यादा होगा एस सी एन से, क्लियर। तो ऑप्शन ये बी भी रूल आउट हो जाता है यहाँ पर। सी में देखते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड एंड आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम तो कॉमन है, ठीक है, सो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का फर्क है, इस टाइम एनायन का डिफरेंस होगा, एनायन है एन थ्री नेगेटिव एंड इधर है ओ टू नेगेटिव। तो एनायन जितना ज्यादा क्या होगा, चार्ज कैरी करेगा, एनायन का चार्ज जितना ज्यादा कैरी होगा, जितना ज्यादा एनायन पे चार्ज होगा उसके मतलब उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो उस केस में क्या होना चाहिए, आपका लैटिस क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो चार्ज किस पर ज्यादा है, आपका एन थ्री नेगेटिव पे ज्यादा चार्ज है, इसका मतलब आपका एम जी थ्री एन टू का जो लैटिस होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा एम जी ओ लैटिस से, ठीक है। एक ही अंडरस्टैंड करने वाली चीज है कि कैसे ये लैटिस एनर्जीज क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है। एनायन पे क्या चार्ज ज्यादा है, क्लियर। अच्छा, सो सी ऑप्शन भी आपका क्या होता है, यहाँ से रूल आउट हो जाता है। डी ऑप्शन की बात करते हैं तो बीई एफ टू है एंड बीई ओ है, बेरिलियम का फ्लोराइड है, बेरिलियम का ऑक्साइड, तो बेरिलियम के टाइन तो सेम है, फ्लोराइड है एनायन एंड ऑक्साइड है एनायन। सो अगेन मैंने कहा कि एनायन का साइज, एनायन का चार्ज देखा जाता है, तो चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा लैटिस स्ट्रांग होगा, यानी कि आपका चार्ज किस पर ज्यादा है, आपका बी ओ टू पे ज्यादा है, ओ टू नेगेटिव है, क्लियर। इस केस में बेरिलियम फ्लोराइड का साइज, बेरिलियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी, एंड बेरिलियम ऑक्साइड की क्या होगी, ज्यादा। सो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट थी मैंने। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।